देखो बेटा, ध्यान से सारे बच्चे सुनेंगे। हम अब समझने जा रहे हैं एसेट अकाउंट बनाना, जहां पर फिक्स एसेट अकाउंट भी बनाना है और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो पहले तो आप जरा समझ लें कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, पहले एक बात बताओ, क्या आप लोग ने क्लास 11th में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम सुना है? अच्छा, हम इसका अकाउंट बनाते थे जब क्लास 11th में आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो याद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनता था। बेटा ध्यान रखना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम थिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जिस मशीनरी को हम बेच रहे हैं, ठीक है, जिस मशीनरी को हम बेच रहे हैं उस पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा एक बार सुनना और समझना बेटा। कई दफा ऐसा होता है, सपोज करो आपके पास मशीनरी गिवन है पिछले साल, मान लो 2018 में 2019 में, पिछले साल बेटा आपके पास 10 लाख की मशीनरी थी, इस साल आपके पास 16 लाख की मशीनरी है। और सपोज करो आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 2 लाख की मशीनरी बेच दी, तो क्या बेटा आपने पूरी मशीनरी बेच दी, सारी मशीनरी बेच दी? नहीं बेची। अगर आप नोटिस करो तो पिछले साल 10 लाख की मशीनरी थी, अभी 16 लाख की मशीनरी हो गई। पहले तो ये बताओ यहां पर परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है? परचेज हो रहा है। इसमें से हमने 2 लाख की मशीनरी बेच दी, तो मतलब 6 लाख का हमने टोटल परचेज किया था, उसमें से 2 लाख की मशीनरी बेच दी। तो आप लोग को ये बात समझ में आ रहा है कि आपने सारी मशीनरी नहीं बेची है? बात समझे सब बच्चे? ठीक, तो इसका मतलब बेटा जिस मशीनरी को हमने बेचा है उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उस डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? सारे बच्चे समझे? सारे दशांत ये नहीं, फिर शांत हो गए तुम दोनों? यश? अच्छा, यश समझ में आया कि नहीं आया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मीनिंग? आ गया। चलो अब जरा हम इसके ट्रीटमेंट समझते बेटा। तो ऑब्वियसली अगर आपको फिक्स एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, तो बेटा ये तभी ये अकाउंट बनेगा जब दो कंडीशन हो। पहले तो दोनों आइटम्स का, बोथ आइटम्स का क्या गिवन होना चाहिए, क्या गिवन होना चाहिए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू गिवन होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा बेटा इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां गिवन होनी चाहिए? एडजस्टमेंट में। पहले तो एक एग्जांपल दिखा देता हूं गिवन इन एडजस्टमेंट। पहले तो हम एक एग्जांपल देख लेते बेटा, रुको एग्जांपल दिखाता हूं, ये रहा। अच्छा ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 25 दिख रहा है बेटा आप लोग को? अगर नोटिस करो मशीनरी गिवन है और डेप्रिसिएशन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आप लोग को क्वेश्चन में? जरा एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, क्या दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट में? है ना, मशीनरी की भी इंफॉर्मेशन गिवन है एडजस्टमेंट में और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी गिवन है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या बनाना सीखेंगे, एक तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा ये डिफरेंट है बेटा, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, अब मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो हम क्या, अब शांत रहो, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाय बैलेंस बीडी। यहां पर क्या आएगा बेटा, कौन सी वैल्यू आएगी बैलेंस बीडी में, हमेशा कौन सी वैल्यू? ओपनिंग बैलेंस। तो बेटा ऑपोजिट साइड यानी डेबिट साइड में जो वैल्यू आएगी टू बैलेंस सीडी, उसमें कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक है, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया?
सब बच्चों को, ठीक है। अब अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने टू फिक्स एसेट अकाउंट लिखा है डेबिट साइड, तो बेटा यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड, मतलब जिस मशीनरी को हमने बेचा है उस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है, वो आएगा डेबिट साइड किस नेम से? फिक्स एसेट के अकाउंट के नेम से। बात समझ में आई सब बच्चों के? ठीक है, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड, और उसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। और ये होता क्या है जरा ध्यान से समझना, दिस विल बी नोन एज टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, मतलब उस साल पूरा कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा उसकी ये वैल्यू होती है। यहां तक सब बच्चों को समझ में आया सबको? भाई सबको अच्छा। अब बेटा यही चीज अब आपको समझनी है कि फिक्स एसेट अकाउंट कैसे बनेगा। ध्यान रखना, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाएंगे, देन उसके बाद फिक्स एसेट बनाएंगे। तो फिक्स एसेट में आपको ना ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम दिखेगी। सबसे पहले बैलेंस बीडी, ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस सीडी, ये क्या है? हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। हमने अगर बेचा तो सेल के नेम से, ठीक है, लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल क्रेडिट साइड, और अगर प्रॉफिट हुआ तो गेन ऑन सेल डेबिट साइड। अगर आप एक चीज नोटिस करो जो मतलब चेंज है, वो चेंज क्या है कि हमें फिक्स एसेट अकाउंट में अब क्या दिख रहा है, हम डेप्रिसिएशन के बजाय क्या लिख रहे हैं? और बेटा यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी जो हमारा, हाँ, जो हमने जिस मशीनरी को बेचा है उसकी डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है, अब अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करना हो बेटा कि सर कैसे पता चला, तो इधर ध्यान से देखना जरा। इस फॉर्मेट में अगर आप देखो तो ये फिक्स एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है, और यहां पर देखो तो ये भी आपको फिक्स एसेट का फॉर्मेट दिख रहा है। पहले वाले फिक्स एसेट अकाउंट में बेटा जहां पर हम डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते, वहां पर हम क्या नोटिस करते हैं, क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि कहां पर जाता है बेटा, जिसकी पोस्टिंग कहां होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहां तक सारे बच्चे क्लियर है? कौन सा वाला? देख, जब हमने लास्ट क्लास में फिक्स एसेट अकाउंट सीखा था वो याद है तुम्हें, है ना? उसमें अगर डेप्रिसिएशन होता था तो हम बाय डेप्रिसिएशन के नाम से पोस्टिंग करते थे क्रेडिट साइड की, नहीं? ठीक है, और वो डेप्रिसिएशन कहां पर प्लस होता था, कौन सी एक्टिविटी में? ये बात समझ में आ गई? लेकिन जब आप बेटा एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी कॉस्ट वाला फैक्टर भी बना रहे हो, तो अब हम डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि क्या पोस्ट करेंगे, किस नेम से? अब हम किस नेम से पोस्ट करेंगे बेटा? बच्चों, अब हम डेप्रिसिएशन को किस नेम से पोस्ट करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जहां पर कौन सी वैल्यू आएगी? फिक्स एसेट मतलब जिस एसेट को हमने बेचा है उसकी वैल्यू आएगी, है ना? ठीक है, और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट दिख रहा है, और बेटा ये वैल्यू होगी क्या? टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की, जो कि कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हालांकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे जाएगा ये हम फुल फ्लेज क्वेश्चन में समझ लेंगे। पहले ये बताओ, ये पोस्टिंग करना समझ में आ गया सब बच्चों को? अब ठीक, अच्छा, यानी दिशांत समझ में आ गया है? ठीक, चलो कोई
क्वेश्चन नंबर 25, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, क्या इसमें हमें मशीनरी का अकाउंट बनाना है? ओके क्या हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वो भी बनाना है, उसका भी अकाउंट बनाना है? ओके अब एक बात बताओ, क्या पेटेंट्स का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्यों नहीं, क्यों बनाएंगे? क्योंकि एक तो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी गिवन है, और क्या पेटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, तो ऑब्वियसली हमें क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, अब ये बताओ सारे बच्चे खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार एक अटेम्प्ट कर सकते हैं? शुरू हो जाओ। पहले 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, अच्छे से इसको दिमाग लगा करके कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। मैं बताऊं, बाकी बच्चों ऐसे कर लो, ठीक है? गौरव, शेनी, संजना, सात्विक हो रहा है, दिशांत
मिनट्स मोर। पेटेंट वाला। चलो अभी वो मैं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। पहले तो आप लोग देखना कि आपने मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही बनाया है कि नहीं बनाया, एंड देन पेटेंट्स की भी हम एक बार जो है वर्किंग करके देख लेते हैं। चलो तो सबसे पहले जब हमें मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले किस चीज का अकाउंट बनाएंगे बेटा? सबसे पहले किस चीज का अकाउंट बनाएंगे ना? सबसे पहले किसका अकाउंट बनाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, है ना? सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस बीडी बेटा मशीनरी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? और क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000, 1,50,000। अब हम आते हैं जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 60,000 वाज सोल्ड फॉर 50,000। बेटा यहां पर जो डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है या जिस मशीनरी को बेचा है उसका डेप्रिसिएशन है? अच्छा, इसकी पोस्टिंग बेटा किस साइड और किस नेम से आएगी? मतलब डेबिट साइड में आएगी। टू फिक्स एसेट की जगह हम फिक्स एसेट का क्या नाम लिखेंगे? नहीं, गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि अगर आप मशीनरी बना रहे हो तो मशीनरी अकाउंट लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा बेटा? 90,000 की मशीनरी पे कितने का डेप्रिसिएशन लगा है? एक्यूमुलेटेड 60,000। और बेटा बैलेंसिंग फिगर किस नेम से आएगा? कितना अमाउंट आएगा? ये बताओ सारे बच्चों का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सही बना है? संजना, ओके, यश, यानी दिशांत, अग्नस, यश, दिशांत, ठीक है। हम इसी बात पे जरा मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। टू बैलेंस बीडी मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस इज 10,00,000 रुपीज, ठीक है। हम आते हैं जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, 90,000 रुपए की मशीनरी पे 60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, मशीनरी की वैल्यू कितनी बची?
30,000, और हमने उसको कितने में सेल कर दिया, क्या हुआ हमें प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट बेटा। अगर प्रॉफिट हुआ डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, किस साइड पोस्ट करेंगे? किस नेम से? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने रुपए का? 20,000 रुपीज का। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? अच्छा, हमने कितने में बेचा है बेटा? 50,000 ठीक है। और बेटा यहां पर एक वैल्यू आएगी बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नेम से, किस चीज की वैल्यू आएगी? वो $60,000। यहां तक सारे बच्चों का सही है? सारे बच्चे जवाब देंगे? ठीक है, तब पहले हमें मशीनरी नहीं, पहले हमें हमेशा कौन सा अकाउंट बनाना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे, सो दैट आपको पता तो चले कितना पोस्ट करना है। ठीक है तो भाई, अब हम जरा बैलेंसिंग फिगर देख लेते हैं। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? ये हमारा 10 लाख था, तो 10 लाख, 11,10,000 माइनस 9,70,000, दिस विल बिकम 1,40,000। 1,40,000 आ रहा है सबका? सबका शांत ठीक है। अब चलो, अब बच्चों का डाउट आया पेटेंट्स अकाउंट में, चलो पेटेंट्स अकाउंट भी देख लेते हैं। पेटेंट अकाउंट में बना रहा हूं, आप लोग चेक करना बेटा आप लोग ने सही किया है कि नहीं किया है। तो पेटेंट अकाउंट, नाउ सबसे पहले फॉर्मेट नॉर्मल, सबसे पहले तो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नेम से, और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी के नेम से। पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन? पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है? 3 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख गिवन है। चलो ठीक है, ओके। अब जरा पेटेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। पेटेंट्स राइट ऑफ वर 50,000, क्या राइट ऑफ का मतलब डेप्रिसिएशन होता है? लेकिन ये इनटैंजिबल एसेट है, हम डेप्रिसिएशन की जगह क्या बोलेंगे इसको? अमोर्टाइजेशन। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कहां पोस्ट करेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। कितने का अमोर्टाइजेशन लग गया? 50,000 रुपीज का। चलो ठीक है, देन उसके बाद इंफॉर्मेशन है बेटा हमारे पास, वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। क्या यहां पर सेल्स के बारे में बात कर रहा है या प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है? प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट होता है सेल पे तो वो कहां जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कहां जाएगा? डेबिट साइड, ठीक है। गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स कितने में के गेन पे बेचा? 40,000 के। अब जरा नोटिस करो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है बेटा? बैलेंसिंग फिगर किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड, परचेज आता है क्रेडिट साइड में या सेल आता है? सेल्स आता है। मैं बताओ ये चीज सब बच्चों को समझ में आई भाई? सारे क्यों बेटा, अगर उसकी वैल्यू को आपको दिख रही है तो नहीं आएगा? अच्छा, अब हम जरा नोटिस करते हैं कि हमारा क्या क्या चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा बेटा। एक तो सेल हुआ है ये आएगा, दूसरा परचेज हुआ है ये आएगा, और तीसरा सेल हुआ है ये आएगा। सारे बच्चे समझ गए इस बात को? हाँ बेटा,
रुको, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 90,000 रुपए की चीज थी जिसको आप बेच रहे हो, जिसपे कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है, कितनी बची उसकी वैल्यू? ठीक है, और 90 में से 60 माइनस हो गया, कितनी बची? हाँ, और उसको आपने कितने में बेचा? 50। तो 50 में बेचा तो 50,000 रुपए तो हमने सेल मेंशन कर दिया, ये समझे? और 30,000 की चीज को 50,000 में बेचा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट आया तो कहां मेंशन करेंगे, समझ गए? अच्छा, अब जरा बेटा इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना ले सब लोग। सारे बच्चे एक फॉर्मेट बनाएं, उसमें लिखें परचेज और सेल, तीनों चीजों को लिखें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। पेटेंट अकाउंट क्या चीज? तो पेटेंट्स का सेल है, तो सेल ऑफ पेटेंट्स, सेल ऑफ पेटेंट्स कितने का? 90,000 का। इसके अलावा हमने सेल किया था मशीनरी को कितने हजार रुपए का? 50,000 का। सेल ऑफ मशीनरी 50,000, एंड देन लास्ट सेल परचेज ऑफ मशीनरी कितने का हुआ? 1,40,000 का। बेटा परचेज क्या होता है, प्लस या माइनस? माइनस। अगर आप नोटिस करो तो दो आइटम प्लस के हैं और एक आइटम माइनस का है, तो प्लस का भी 140, माइनस का भी 140, आंसर कितना आएगा? जीरो। तो हम लिखेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जीरो के बजाय हम क्या मेंशन कर देंगे? निल। सारे बच्चे क्लियर हुए? अच्छा, सारे। अच्छा, अब इसी बात पे एक क्वेश्चन और करना है। क्वेश्चन नंबर 27 दिख रहा है सारे बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है और लैंड दिया है। बेटा प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या? हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे तो नॉर्मल अकाउंट बनाएंगे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला? नॉर्मल, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। लैंड, क्या लैंड से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है बेटा? ठीक है, क्या हम इसका भी अकाउंट बनाएंगे? शुरू हो जाओ बेटा, जल्दी करेंगे सारे बच्चे।